बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इसको लेके लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि इसके लिए आखिर कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेंगे और कौन से कार्यालय पर जाना पड़ेगा। अब इसको लेके सिवान के जो जिला अधिकारी हैं मुकुल कुमार गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता करके लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि किसी भी तरीके से किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस दौरान मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया है कि ये जो सर्वे का काम चल रहा है यानी जुलाई 2024 से लेके अगस्त 2025 तक फाइनल कर लेना है। बड़ी बात लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि क्या शहरी क्षेत्रों में भी ये सर्वे का काम चलेगा। शहरी क्षेत्र में वो जब ग्रामीण क्षेत्र में पूरा कर ले जाएगा उसके बाद किया जाएगा, यानी 2025 से पहले शहर में अभी ये काम नहीं होगा सर्वे का। और आपको बता दें कि सर्वे का जो काम होगा वो 25 के बाद होगा, अभी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। वही जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए, और साथ ही साथ इससे जुड़े जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी क्या कुछ कहा है सुनिए। देखिए अब एक बात आप लोगों को क्लियर कर दें कि इसमें सिर्फ रजिस्टर्ड डीड ही मान्य होगा, कोई जमींदारी का पर्चा फलाना, इससे पब्लिक बचे। चूंकि अभी बहुत सारा हम लोग को दलौदार कहीं कहीं से शिकायत मिल रही, कुछ लोग ऐसा टाइप का पर्चा दे रहे हैं, इस फेक पर्चा से बचे। क्योंकि सरकार का कथन यही है कि जो भी डीड होगा वो रजिस्टर्ड डीड ही मान्य होगा, बंटवारा भी होगा वो रजिस्टर्ड डीड ही मान्य होगा। इसलिए जानते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रत्येक जिले में प्रारंभ हो चुका है। सिवान जिले में भी सभी अंचलों में यह सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। इस सर्वेक्षण कार्य के लिए सबसे पहले इस जिले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री सुजीत कुमार जी को बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई। साथ ही साथ आपने देखा होगा कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रत्येक जिले के लिए काफ़ी संख्या में विशेष सर्वेक्षण संबंधित कर्मियों की भी नियुक्ति की गई। सिवान जिले के लिए कुल 252 अमीन, 24 कानूनगो, 24 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और 30 लिपिकों की पोस्टिंग इस जिले में की गई है। हम लोगों ने सभी कर्मियों की ट्रेनिंग कराकर उनको विभिन्न अंचलों में पदस्थापित भी कर दिया है। आपके माध्यम से सिवान की सभी आम जनता को बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश है यह पूरा कार्यक्रम एक वर्ष के अंदर में पूरा करना है और समयबद्ध तरीके से पूरा करना है, जिसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में अधिकारियों कर्मियों की नियुक्ति की गई है। जिले में मैंने बताया कि समारता स्तर के पदाधिकारी के रूप में बंदोबस्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ सभी 1900 अंचलों में इस कार्य हेतु शिविर की स्थापना जिला स्तर से कर दी गई। आपके माध्यम से सभी प्रखंड निवासियों को अवगत कराना चाहेंगे कि किस प्रखंड अंचल में कहां पे इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि आम जनता को हमारे जो भी अधिकारी और कर्मी इस कार्य में लगे हैं उनसे मिलने में, उनसे अपना कार्य कराने में सहूलियत। सिवान सदर में सामुदायिक भवन रघुहाथा में यह शिविर का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी श्री अभिषेक कुमार। उसी प्रकार बरहरिया में पंचायत भवन रसूलपुर में यह कार्यक्रम चल रहा है, उसके भी प्रभारी श्री अभिषेक कुमार। पचरुखी में पंचायत भवन सहलौर, उनकी प्रभारी सुश्री रंभा कुमारी हैं। भगवानपुर हाट में BRC भवन भगवानपुर हाट, उसके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मोहम्मद सदाम हुसैन हैं। महाराजगंज में पंचायत सरकार भवन सिवदह, उसके प्रभारी मोहम्मद नैयर इकबाल हैं। लकड़ी नबीगंज में पंचायत सरकार भवन पदौली मोहम्मद नैयर इकबाल। रघुनाथपुर में पंचायत सरकार भवन नरहन, उसके प्रभारी श्री नवीन कुमार हैं। हसनपुरा में कृषि भवन सहूली में, उसके प्रभारी सुश्री अर्चना कुमारी हैं। हुसैनगंज में BRC भवन हुसैनगंज, उसकी सुश्री निकिता कुमारी हैं। जीरादेही में पंचायत सरकार भवन पीतरा में, उसकी प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी निकिता कुमारी हैं। गोरियाकोठी में पंचायत सरकार भवन खीरपुर, उसके प्रभारी श्री रेशम कुमार हैं। गुठनी में निरीक्षण भवन गंडक कॉलोनी गुठनी सिवान, उसके प्रभारी श्री पुरुषोत्तम कुमार हैं।
बसंतपुर में पंचायत सरकार भवन कुमकुमपुर उसकी प्रभारी सुश्री सुरुचि कुमारी हैं। दरौली में पंचायत सरकार भवन बलहू पोखर उसके प्रभारी सुश्री श्री गौरव कुमार हैं। सिसवन में पंचायत सरकार भवन महेंद्रनाथ उसके प्रभारी श्री गौरव कुमार हैं। सिसवन में पंचायत सरकार भवन महेंद्रनाथ धर्मेश कुमार। दरौंदा में अंचल कार्यालय दरौंदा में सुश्री विजय लक्ष्मी सिंह। नौतन में पंचायत सरकार भवन मुरारपट्टी श्री अमित कुमार। मैरवा में पंचायत सरकार भवन इंग्लिश पंचायत श्री अमित कुमार। और आंध्र में उच्च विद्यालय आंध्र में उसके प्रभार आंध्र के प्रांगण में उसके प्रभारी श्री अभय कुमार। यह सूची आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि सभी आम जनता को दे दिया जाए ताकि हमारे जो शिविर के प्रभारी हैं उनका फ़ोन नंबर इसमें है, किसी को किसी प्रकार की शंका हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से सिवान की पूरी जनता को बताना चाहेंगे। जैसा मैंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के आलोक में समयबद्ध तरीके से करनी है, तो जो समयबद्धता इसमें डाली गई है वो है पहला ग्राम और उद्घोषणा जो प्रपत्र एक में करते हैं उसकी समय सीमा 1 अगस्त 2024 से 7 अगस्त 2024 थी, यह कार्य हम लोगों ने इस जिले में पूरा कर लिया। दूसरा जो प्रक्रिया है वो रैयतों से स्वघोषणा एवं वंशावली प्राप्त करना यह प्रपत्र 2 में एवं 3 1 में लिया जाता है। यह प्रक्रिया 16 अगस्त से प्रारंभ हुई है, 15 सितंबर तक चलेगी, यह प्रक्रिया हमारे यहाँ भी चल रही है। तीसरे स्तर पर किस्तवाड़ की प्रक्रिया हम लोग करते हैं जो कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। चौथी प्रक्रिया खानापुरी की है जो 1 नवंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक चलेगी। पाँचवीं खानापुरी पर्चा प्रपत्र 7 का वितरण एवं दावा आपत्ति का प्राप्ति यह 16 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक चलेगी। छठी जो स्टेज है वो सुनवाई है, प्रथम प्रक्रम प्रपत्र 7 के विरुद्ध प्राप्त दावा आपत्ति का निपटारा करना होता है जो 16 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 तक चलेगी। सातवीं प्रक्रिया प्रारूप अभिलेख प्रपत्र 12 का प्रकाशन है जो कि 22 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 को करना है। आठवां स्टेज है प्रारूप अभिलेख प्रपत्र 12 के विरुद्ध फिर हम लोग दावा और आपत्ति प्राप्त करेंगे और उसका निपटारा करेंगे जो कि 24 अप्रैल 2025 से 22 जून 2025 तक चलेगी। और अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन हम लोग 25 जुलाई 2025 से 24 अगस्त 2025 के बीच में कर दें। इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के सारे पदाधिकारी लगातार कार्यशील रहेंगे। आप लोग अभी देख रहे होंगे कि भारी संख्या में रैयत जिला अभिलेखागार से अपना नकल निकालने के लिए आ रहे हैं। हम लोगों ने अभिलेखागार में भी उचित व्यवस्था की है ताकि लोग अपना समय जाया किए बिना जो भी नकल उनको प्राप्त करना है वो प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि बंदोबस्त कार्यालय हम लोगों ने जिला खेल भवन जो कि भीम हाई स्कूल के प्रांगण में स्थित है उसके प्रथम तल पर हम लोगों ने बनाया है। हमारे मुख्यालय के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और जो बंदोबस्त पदाधिकारी श्री सुजीत जी हैं उनका कार्यालय वहीं पे प्रारंभ किया गया है। आप सभी के माध्यम से सभी लोगों से अनुरोध होगा कि यदि किसी प्रकार की शंका या किसी प्रकार का आपत्ति हो जिसका निराकरण यदि शिविर के माध्यम से नहीं हो रहा हो तो सीधे तौर पे बंदोबस्त पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम अनुरोध करेंगे श्री सुजीत जी से कि और विस्तृत रूप से क्या क्या दस्तावेज आदि की आवश्यकता है इसकी चर्चा करें। चूँकि यहाँ पे 1905 के बाद कोई भी दूसरा सर्वे हुआ नहीं, कोई रिविजनल सर्वे नहीं है ना कोई दूसरा सर्वे है, तो ये 1905 के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग की व्यवस्था यही है कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे यानी 1905 का सर्वे जिसका प्रकाशन 1916 से 1919 के बीच में हुआ उसी मैप को लेकर हम लोग बिछाकर करेंगे, यानी कि जो पूर्ववत खेसरा है वो यथावत रहेगा, उसी खेसरा में हम लोग नए अब जो वंशधारी जो होंगे, अब डिपेंड ये करता है कि खातियान में किसका नाम दर्ज है, उनके अगर पड़बाबा का नाम दर्ज होगा तो उनके पड़बाबा के काल से अभी तक का वंशावली बनाना होगा। अगर मान लीजिए केवाला में उनके दादा का नाम दर्ज है तो दादा के बाद इधर का वंशावली बनाना होगा। और इस पर सरकार की प्रक्रिया यह है कि चूंकि यह सिस्टम चूंकि मात्र 1 साल में करना है तो लोगों को ऑनलाइन सारे कुछ हम लोग DLRS करके एक साइट है जिस साइट पर जो है
सो आप लोग सब कुछ देख सकते हैं, उसी में प्रपत्र दो, जिसकी प्रपत्र दो में आपको अपना जितना जो रैयतधारी है अपने रैयतों का जिक्र करेंगे कि उनका कितना रैयत है। अगर मान लीजिए कि उनका तीन मौजा में है तो तीनों मौजा का अलग अलग रैयत से, वो हर रैयत का एक अलग थाना नंबर होता है, यानी थाना नंबर वाइज पब्लिक को अलग अलग, तीन थाना है तो तीन थाना के लिए तीन जगह उनको अपलोड करना होगा। उसी तरह से अब इसमें जो दस्तावेज जो है, या तो केवाला के रूप में, खतियान के रूप में, पर्चा के रूप में, जिस रूप में पब्लिक के पास मौजूद है वो उसको यथावत हमारे साइट पर वो अपलोड कर देंगे। DLRS करके एक साइट है, उसी पर करना है। चूँकि ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन प्रक्रिया में चल रही है, तो आप लोग के जानकारी के लिए, पब्लिक अगर चाहे कि जैसे मान लीजिए यहाँ के बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं या कहीं भी, तो एक सर्वे ट्रैकर करके ऐप है, अगर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो हम लोग जिस मौजा में किस स्थान तक पहुँचे, आज हम 10% सर्वे किए कि 12% किए, आप सर्वे ट्रैकर ऐप से विदेश वाला भी आदमी वो देख सकता है कि यहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया क्या है। एक आप लोग से, मीडिया बंधु आप लोग आए हैं, तो एक आप लोग से अनुरोध यही करेंगे और तमाम हम जनप्रतिनिधि से भी यही अनुरोध कर चुके हैं कि कुछ ईमानदारी हम लोग को बरतनी होगी। बरतनी यह है कि हमारे जो दस्तावेज में जो पड़वावा से चल रहा है या हमारे छरदादा से चल रहा है, तो उसमें किसी भी भाई को या किसी की हिस्सेदारी को आप लोग वंशावली में गौण न करें, उनका वंशावली आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होगा कि अगर 6 भाई हैं, एक भाई विदेश में है, 5 लिख करके वंशावली बना दिए, तो इससे उनको दिक्कत होगी और हमको भी रैयत को डिसाइड करने में, जब हम किस्तवाड़ करने के बाद खानापूरी करेंगे तो खानापूरी के समय में यह दिक्कत निश्चित तौर पर आएगी। इसलिए आप लोग के तहत से हम यह कहना चाहते हैं कि यह लोगों को यह विश्वास में लाइए कि वंशावली बिल्कुल सही ढंग से बनाए, उसमें कोई कटौती नहीं। इसलिए कि जब हम किस्तवाड़ करने के बाद हमारा अमीन जब उस साइट पर जाएगा, वहीं पे कानूनगो पहुंचेगा और पहुंचने के बाद उस चौहद्दी पर डिसाइड होगा कि इसका दखल कब्जा किसका है और इस दखल कब्जा के अगेंस्ट में कितने इसके वंशावली में लोग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे दूसरी बड़ी जरूरी है कि वो लोग यह क्लियर कट बताएं कि उनका वंशावली में वंश कितना आ रहा है। जैसे कि किसी खेसरा में 300 की आबादी 1905 में थी, आज वो खेसरा बढ़ के समझिए कि 4 गुना 5 गुना यानी 1500 से लेके 2000 तक हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब हम उसका प्लॉटिंग करेंगे तो उसके इस हिस्से को हम दखल कब्जा के अनुसार, जैसे 4 भाई देंगे तो 4 भाई का उसमें दखल दिखाएंगे। इसमें जैसे पब्लिक से हम ले रहे हैं प्रपत्र 2 में और प्रपत्र 3(1) है वंशावली, यही दो चीज़ उनको अपलोड करना है DLRS के साइट पर। और ये अपलोड हो जाने के बाद अब इसके बाद जो प्रक्रिया जो हमारी किस्तवाड़ की ख़त्म होगी, खानापूरी की ख़त्म, खानापूरी के समय हम हर रैयत को, जैसे आप मान लीजिए 5 भाई हैं, तो आपके 5 भाइयों को हम प्रपत्र 7 में पर्चा देंगे और LMP देंगे, लैंड पोजिशन मैप। लैंड पोजीशन मैप का मतलब इस बार ये भी चीज़ दे रहे हैं कि आप अपना ज़मीन का नक्शा भी देख लीजिए कि ये ज़मीन का स्वरूप तिरकोना है कि क्या है। और इन प्रपत्र 7 में हम आपको हर रैयत को उपलब्ध कराएंगे। और अगर मान लीजिए उनका किसी का चौहद्दी या किसी का नाम में गड़बड़ी, तो उसके लिए प्रपत्र 8 में हम उनसे मांग रहे हैं कि आप हमें दावा आपत्ति के लिए दीजिए या आपका कोई भूल सुधार है वो हम कर देंगे। तो प्रपत्र 8 में पब्लिक हमको वो देगी और उसकी सुनवाई होगी प्रॉपरली, यह पहला प्रक्रम की सुनवाई है और उसी दौरान हम लोग इसका संशोधन करेंगे। ये सब जब संशोधन की प्रक्रिया जब हो जाएगी, तो एक मौजा का जब पूरा हम कर लेंगे, तो इस करने के बाद जो है सो हम उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन करेंगे प्रपत्र 12 में। प्रपत्र 12 में भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन के समय में भी उसका प्रकाशन हम बजाते पंचायत भवन में, जहाँ हमारा शिविर है वहाँ पर, तीसरी प्रति हम अंचल में और चौथा हम जिला में भी, ये चारों जगह हम लोग प्रकाशित करेंगे। उसमें भी अगर कोई दावा आपत्ति होगी तो प्रपत्र 14 में पुनः आप दीजिएगा कि हमारा ये जो मैपिंग में मेरा जो हिस्सा जो है वो चौहद्दी गलत दिखाया गया, फलाना दिखाया गया। तो दूसरी सुनवाई ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद भी है। जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जब अप्रूव हो जाएगा, तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, 14 का ऑब्जेक्शन को जब सुनवाई कर लेंगे, दूसरी प्रक्रिया जब समाप्त हो जाएगी,
तब हम उस मौजा का एक प्रकाशन दूसरा फाइनल पब्लिकेशन करेंगे। फाइनल पब्लिकेशन करते समय में भी अगर मान लीजिए कि किसी को अब उसकी जब यह प्रक्रिया समाप्त होगी जब सेकंड का तो इसका हम कंपाइल शीट पूरे का तैयार करेंगे और कंपाइल शीट तैयार करने के बाद हम राज्य सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे और वो अप्रूवल एक समझिए एक वैधानिक प्रक्रिया है मेनली कि हमको यहाँ का ऑब्जेक्शन पहले मीट करके तब वहाँ जाना है। ये जब सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब इसके बाद इसी में दूसरी प्रक्रिया हमारा सर्वेक्षण के बाद रेंट फिक्सेशन। अब जो है सो कोई भी प्लॉट बेलगान नहीं रहेगा, हर प्लॉट का जो किस्म के अनुसार जो भीट है कृषि योग्य है या पहले का मान लीजिए कृषि योग्य था आज उसमें आवासीय है तो आज उसमें आवासीय रेंट हम करेंगे। तो दूसरा काम हमारा रेंट फिक्सेशन है, रेंट फिक्सेशन जब हम कर देंगे तो इसके बाद तब प्रपत्र 20 में इसका एक फाइनल पब्लिकेशन होगा। ये पब्लिकेशन हो जाने के बाद इसका भी जब ट्रायल आपत्ति जब होगी अब हम जिला स्तर पर एज ए बंदोबस्त पदाधिकारी अंतिम सुनवाई मेरे पास होगी। जब हमसे जब होके जब फाइनल हो जाएगा तो ये फाइनल समझिए कि जो सरकार का प्रस्तावित है जुलाई 25 से लेकर अगस्त 25 के बीच में तो ये सरकार के पास हम लोग चार प्रति में बनाएंगे। एक प्रति हम अंचल को देंगे, दूसरी प्रति हम लोग जिला अभिलेखागार में देंगे, तीसरी प्रति जो हम लोग का राज्य सरकार का अभिलेखागार है वहाँ जाएगा और चौथी प्रति हमारे जिला में या यहाँ बंदोबस्त कार्यालय में। और इस तरीके से यह सारी प्रक्रिया रजिस्टर 2 को नयापन करने के लिए, मतलब अभी जो अंचल कार्यालय में जा रहे हैं तो रजिस्टर में अभी आपका खतियान में परबाबा का नाम इनका नाम दिख रहा है और जब ये हो जाएगा तो रजिस्टर 2 में कम्प्लीटली अब आप लोग का नाम दिखने लगेगा। ये है सारी प्रक्रिया। सिर्फ अभी सरकार ने इसको दो चरण में बनाया, पहले इसको हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ख़त्म करेंगे। टोटल यहाँ पर हम लोग 1448 रेवेन्यू ग्राम में अभी तत्काल कर रहे हैं। मालिकाना खास जमीन में हम सबसे पहला चीज देखेंगे दो चीज कि सबसे पहले वो मालिक बना तो उसके लिए देने वाले कौन है। उसमें आपको याद होगा कि 1/1/46 से जमींदारी प्रथा खत्म हो गई थी। जमींदारी प्रथा के पूर्व का अगर कोई मालिकाना होगा तो उसमें उसका देखेंगे उसका रेंट रोल है कि वो जमींदार को पे किया था नहीं। दूसरा इधर का होगा 1/1/46 के बाद का, तब उसमें देखेंगे कि जो डोनर करने वाला है वो एप्रोप्रिएट व्यक्ति है या नहीं। सर किसी जमीन पे विवाद चल रहा है, कोर्ट में विवाद चल रहा हो तो जितना भी अगर कोर्ट में विवाद टाइटल सूट वगैरह जो होगा उस जमीन को हम लोग प्लॉटिंग करके घेर के उसमें CWJC या और टाइटल सूट नंबर शो करके उसको दर्शा के आगे बढ़ जाएंगे। पेपर संबंधित तैयारी करने में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो लोग सुबह से चक्कर लगा रहे हैं, लाइन में खड़े हो रहे हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए पेपर में बस दो ही चीज पब्लिक के पास बताना है कि सबसे पहले उसके पास केवाला है। जैसे बहुत सारे पब्लिक ये कर रहे हैं कि 85 का हमारा केवाला है लेकिन हमारा म्यूटेशन नहीं हुआ है, तो आपके जरिए यह मैसेज चला जाना चाहिए 85 का केवाला है, अगर उसका म्यूटेशन नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन वो जमीन उनके अगर पोजेशन में है तो वो अपलोड कर दें। सर्वे को तक कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्या उनको जानकारी इसके लिए क्या पहुंची जा रही है? हम लोग तो पूरे जितने जो ग्राम पंचायत है 293 जितने भी हमारे ग्राम पंचायत है सब जगह मुखिया जी के साथ हम लोग शिविर का आयोजन किए हैं और वहाँ पर जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। मात्र 12 पंचायत में चलाना हमारा बाकी रह गया है। शहर के लोगों को अभी कोई दिक्कत नहीं है। जब ये वाली प्रक्रिया ग्रामीण की खत्म हो जाएगी सरकार पब्लिश कर देगी तो अगला चरण शहरी क्षेत्र का होगा। सर अगर SDO ऑफिस से अपडेट हो गया है तो गांव के सरपंच से भी अपडेट लेना पड़ेगा क्या? नहीं देखिए इसमें एकदम क्लियर कट बात है कि जो हमारे अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग के उनका एक पत्र है 2023 का दिसंबर 2023 का, उसके अनुसार से वंशावली बनाने की प्रक्रिया लिखी हुई है। उस प्रक्रिया में यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले पब्लिक जो है सो एक एफिडेविट करा के वो देगा और देने के उपरांत पंचायत सचिव का है कि वो इंट्रोगेशन करेगा। इंट्रोगेशन करने के बाद उसको सुओ मोटो वो डिक्लेरेशन बाहर में वो सार देगा। 7 दिन तक उसका ऑब्जेक्शन देखा जाएगा। अगर अगल बगल वाले लोग उसका ऑब्जेक्शन करते हैं तो 7 दिनों के बाद सरपंच और पंचायत सचिव उनको निर्गत कर देंगे। किसी का लैंड हो और सरपंच के द्वारा ही अतिक्रमण किया गया तो उसमें क्या होगा? देखिए अतिक्रमण यहाँ दूसरा मुद्दा है। इसमें सबसे पहली बात यह है कि हम रैयत को बुला रहे हैं, इवन एज ए सरकार ये जो कलेक्ट्रेट हम लोग बैठे हुए ये भी हम लोग रैयत के अंदर है, तो हम सभी लोग रैयत हैं, चाहे हम सरकार के रूप से रैयत है या पब्लिक रैयत है, ये सब पर लागू होता है।
अंडरटेकिंग या एफिडेविट्स लगभग सेम है। उसमें जो सर की जो लेटर जो निकली अपर मुख्य सचिव का, उस लेटर में डायरेक्ट है कि वो एफिडेविट है।